जय भीम। और भोजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करते हुए आज का विशेष लाइव यहाँ हाईवे से, मैंने लाइव का समय दिया था 8 बजे और फिर क्योंकि मैं अभी हापुड़ जा रहा हूँ, हापुड़ में हमारे प्रत्याशी हैं डॉक्टर बीपी नीलरतन साहब, उनकी मदद के लिए, और फिर अचानक से मुझे लाइव आना पड़ा। लाइव आने का कारण ये था, स्पेशली तो 10 तारीख में प्रथम चरण के चुनाव, आजाद समाज पार्टी वहाँ बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ रही है, और क्योंकि साधन विहीन पार्टी हमारी, कमजोर लोगों की पार्टी, बहुजन समाज के लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं, तो जो साधन संपन्न पार्टी नहीं है आजाद समाज पार्टी काशीराम, लेकिन हौसले बड़े मजबूत हैं। उन हौसलों के जरिए धोखा खाने के बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में हम फिर अपने पैरों पर खड़े हुए और हमने प्रयास किया कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज के लोगों को भी अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए हमें जो बहुजन राजनीति है सिद्धांतिक रूप से, और जो महापुरुषों का मिशन है, क्योंकि काशीराम साहब ने कहा कि मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग रुकने नहीं देते, तो उसको जिंदा रखने के लिए जहां एक तरफ धन बल बाहुबल साधन की राजनीति, वहीं एक तरफ गरीबों की राजनीति, गरीबों की इच्छा शक्ति संकल्प शक्ति मजबूत करने के लिए बहुजन समाज के जो वंचित वर्ग के लोग हैं उनको भी राजनीतिक सत्ता में उनकी हिस्सेदारी बने, इसके लिए आजाद समाज पार्टी काशीराम ने अपने प्रत्याशियों को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मजबूती से लड़ाने का निर्णय लिया। तो जैसे मैंने कहा, साधन संपन्न न होने के कारण मैं सब जगह नहीं पहुंच पाया, काफ़ी जगह ऐसी है जहां मैंने प्रयास किया कि पहले फेज के जो विधानसभा क्षेत्र उनमें चला जाऊं, लेकिन सब जगह नहीं पहुंच पाया। जैसे मैं हम लोग कल किठोर नहीं पहुंच पाए, हस्तिनापुर नहीं पहुँच पाए, उसके साथ साथ मेरठ सिटी में जो हमारे प्रत्याशी हैं उनकी मदद के लिए नहीं पहुंच पाए, वो कैंसिल करने पड़े, हापुड़ का कल आज सुबह का प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा, तो जहां तक मैं नहीं पहुंच पाया। बस मेरी अपील आपसे ये थी कि उन प्रत्याशियों की मदद के लिए मैं उन प्रत्याशियों के नाम आपके इस लाइव के माध्यम से अपने कार्यकर्ता से अपील करूँगा। पहले मैं नाम पढ़ देता हूँ, फिर मैं अपने दिल की बात भी आपके सामने रखूँगा, और क्योंकि मुझे सफ़र करना है और पहुंचना है अभी एक प्रत्याशी की मदद के लिए। कल मेरा खुद का नॉमिनेशन है, मैं गोरखपुर जाऊंगा, गोरखपुर से नॉमिनेशन करने के बाद आके मैं सहारनपुर जो दूसरे चरण का मतदान जहां होगा सहारनपुर उत्तराखंड वहां रहूंगा, क्योंकि वहां हमारे प्रत्याशी बड़े मजबूती से लड़ रहे हैं उनकी मदद के लिए। तो कैराना विधानसभा जिला शामली में देवी सिंह हमारे प्रत्याशी, नौजवान लीडर हैं, मेहनती हैं, गरीब हैं, ईमानदार हैं, लेकिन संघर्षशील हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। थाना भवन से राकेश सैनी जी हमारे प्रत्याशी हैं, मैं उनके रोड शो में भी गया था, उनकी सभा में भी, वो बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं। बुढ़ाना में सलीम चौधरी जी आजाद समाज पार्टी के जिला पंचायत सदस्य भी हैं मुजफ्फरनगर से, और वर्तमान में बुढ़ाना से प्रत्याशी भी हैं। चरथावल से तरुण कुमार जी, नौजवान जाट समाज से हमारे नेता हैं, मजबूती से अपना चुनाव चरथावल पर लड़ रहे हैं। पुरकाजी से उमा किरण जी, हमारी बहन उमा किरण जी पुरकाजी से लड़ रही है, और महिला शक्ति को भी जो है मौका दिया गया है कि वो भी लड़े और वो भी आगे बढ़ के जाके महिलाओं की तरक्की पे, महिला सशक्तिकरण पे, महिला शिक्षा, महिला जुड़े मुद्दों पे अपनी बात को रखे। मुजफ्फरनगर शहर से परवेज आलम सलमानी जो छोटे भाई हैं, बहुत अच्छे मेहनती नौजवान हैं, वहाँ से सभासद भी हैं और इस बार मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, उनको पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। खतौली से मनोज कुमार गुर्जर, खतौली विधानसभा मुजफ्फरनगर से मनोज कुमार गुर्जर जी जो प्रत्याशी हैं। मीरापुर से उमेश पाल, और ये बहुत अच्छी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, मैं कल गया था लेकिन समय कम ही कारण ज़्यादा समय नहीं दे पाया। मैं अपील करूँगा मीरापुर के साथियों से जो बहुजन समाज के लोग हैं कि वो उमेश पाल जी को वोट दे के उनको सफल बनाएं। सिवाल खास से भूपेंद्र सिंह बाफर, कल मैं इनके चुनाव में गया था, जाट समाज से आते हैं, किसान नेता हैं,
मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। आशा उम्मीद है कि जनता इनको वोट देकर सफल बनाएगी। हस्तिनापुर से हिमांशु सिद्धार्थ। मैं हिमांशु जी के चुनाव में नहीं पहुंच पाया, मैंने वादा भी किया था लेकिन समय कमी कारण नहीं पहुंच पाया, कल जाने का प्रोग्राम था नहीं पहुंच पाया। मैं हस्तिनापुर की महान जनता से अपील करता हूं कि हिमांशु सिद्धार्थ जी को वो वोट देकर सफल बनाएं, कि ठोर से मोहम्मद अनस एक जिम्मेदार पार्टी आजाद समाज पार्टी के पदाधिकारी भी हैं और एक नौजवान हैं, मेहनती हैं, काम करना चाहते हैं, जनहित में सेवा करना चाहते हैं, आजाद समाज पार्टी से जुड़े हैं, आजाद समाज पार्टी से प्रत्याशी भी हैं। ठोर से मैं इनके लिए भी साथियों से अपील करता हूं मेरठ में। हापुड़ से डॉक्टर बिपिन जिंदल जी रिटायर्ड आईएएस हैं, आईएएस, और अपने समय में बहुत काम किया हापुड़ में, गाजियाबाद भी रहे, कई जगह पर रहे, लेकिन दलित समाज के लोग जानते हैं हापुड़ रिजर्व है और उन्होंने बहुत काम किया, जगह जगह पर आज भी उनके बोर्ड लग जाएंगे। पहले उन्होंने प्रशासनिक रूप से सेवा की आईएएस रहते, उसके बाद अब वो राजनीतिक रूप से सक्रिय होकर काम करना चाहते हैं। बड़े इंटेलिजेंट है और गोल्ड मेडलिस्ट है, बाहर से पढ़े हैं, विदेश से, और अब आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं, मेहनत से काम कर रहे हैं। गढ़ मुक्तेश्वर से घनश्याम नागर, गुजर समाज से घनश्याम नागर आते हैं, वकील है दिल्ली कोर्ट में, लेकिन मैंने बहुजन मिशन में बहुत कम लोग ऐसे देखे हैं बैकवर्ड समाज के जो बहुजन आंदोलन के प्रति समर्पित हुए हैं। उनमें से एक नाम घनश्याम नागर, बिल्कुल भाई हैं, बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। मैं उनके लिए भी अपील करता हूं कि वहां की जनता उनको भी समर्थन करे। अनूप शहर से शाकिर खान आजाद समाज पार्टी के सिपाही हैं, वो भी लड़ रहे हैं, उनके लिए भी अपील करता हूं। शिकारपुर से सोहन सिंह जाटव आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं, मैं उनके लिए भी जनता से अपील करता हूं कि उनको वोट देकर विजय बनाएं। छाता से सुभारती खाना, आज मैं गया था, वो बहुत मेहनती हैं, गरीब परिवार से आते हैं, मेहनत कर रहे हैं। मैं छाता की जो महान जनता है उनसे अपील करूंगा कि उनके पक्ष में मतदान करें। गोवर्धन से प्रेम सिंह विमल नौजवान साथी हैं, मैं आज गया था, एक सभा मैंने उनकी अटेंड की, बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, साधन विहीन है लेकिन हौसले बुलंद है, लड़ना चाहते हैं, आपकी सेवा करना चाहते हैं। आगरा दक्षिण से डॉक्टर राकेश राशि चौधरी, मैं आज गया था, मैं आगरा की टीम से अपील करूंगा कि वो लगे मजबूती से आगरा दक्षिण से हमारे प्रत्याशी जिता के भेजे। फतेहपुर सीकरी से जगदीश बघेल, और जगदीश बघेल जी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और मुझे विश्वास है, आज मैं गया था वहाँ, पुलिस का तानाशाही रवैया है, पुलिस हमारे प्रत्याशी को दबाने का काम कर रहे हैं, लेकिन मैंने आज वहाँ के कर्मचारियों से भी बात की कि ये लोकतंत्र है, अंतिम व्यक्ति को भी अपनी वोट का प्रयोग करने का अधिकार है, आगे बढ़ने का अधिकार है, तो ये तानाशाही नहीं चलेगी। तो जगदीश बघेल जी के लिए भी मैं आपसे समर्थन की उम्मीद करता हूं। हमारे गठबंधन में सरदना सीट से रमेश चंद सैनी जी हैं, हमारी टीम उनका सहयोग कर रही है, गठबंधन धर्म निभा रही है और वो बहुत अच्छे प्रत्याशी, सूबेदार रिटायर हैं सेना से, पहले सेना में देश की सेवा की, अब समाज की सेवा भी करना चाहते हैं। और न्याय पार्टी से मुरादनगर में प्रेरणा सोलंकी जो हमारे गठबंधन की प्रत्याशी है, मैं उनके लिए भी आपसे मदद की अपील करता हूं। और अब मैं आपसे अपनी बातें करूंगा जो बहुत ज़रूरी है, कोई प्रत्याशी अगर छूट गया हो तो वह जल्दी से मनीष जी के फ़ोन पे मुझे खबर भेज दे जिससे कि हम उनकी मदद कर सकें और उनको उनके लिए अपील कर सकें। जल्दी से अभी मैं लाइव पे हूँ, जो भी ऐसा साथी बच गया हो तो वो अपनी खबर जो है तत्काल भेज दें, मैं उनके लिए अपील कर लूँ। कोशिश करूँगा एक एक वीडियो बना के भी आप लोगों को दूँ जिससे कि आप आसानी से आपकी अपील, मेरे द्वारा की गई आपकी अपील जनता तक जा सके। अब मैं अपने बारे में आपसे बात करता हूँ। ये जो फूल जगह जगह पर सम्मान के रूप में मुझे मिलते हैं, ये विरासत में नहीं मिले, इसके लिए मैंने कांटों का बिस्तरा भी देखा है, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी है। और आप समझिए कि एक नौजवान का इस सिस्टम के खिलाफ खड़े होकर लड़ना, जहां सब लोग चाहते हैं कि मैं हार जाऊं, टूट जाऊं, बैठ जाऊं, वहीं भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोगों ने कभी, उन समर्पित कार्यकर्ताओं ने मुझे कभी परेशान नहीं होने दिया, अकेला नहीं पड़ने दिया, हमेशा संभाल के रखा। मैं भीम आर्मी की लीडरशिप का भी धन्यवाद करता हूं, राष्ट्रीय कोर कमेटी की, पूरे देश की, मैं एक एक कार्यकर्ता का धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरे हर फैसले में सहयोग किया और आपने मुझ पर विश्वास दिखाया। मगर मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, वोट
बहुत ताकतवर होती है, वोट उत्तर प्रदेश में तय करेगी आपके एक एक वोट कि चंद्रशेखर आजाद ने जो काम किया है, भीम आर्मी ने जो काम किया है, उसका जनता में कितना समर्थन है। और जो दूसरे दल के लोग हैं, आपने पहले मुझसे पहले बहुत लोगों को जिताया, लेकिन आपकी ज़िंदगी में क्या बदला है आपको सोचना पड़ेगा। क्या आपकी ज़िंदगी इस लोकतंत्र में बहुत अच्छी हो पाई है? क्या माननीय काशीराम साहब, बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन कोई चला रहा है? क्या अम्बेडकरवादी आंदोलन इस देश में आगे बढ़ेगा या पिछड़ जाएगा, ये आपको तय करना है। एक एक वोट, एक एक सीट जो है तय करेगी कि अम्बेडकरवादी आंदोलन के प्रति जो एक विरोध उत्पन्न हो गया, लोगों को लगता कि अम्बेडकरवादी आंदोलन की सरकार नहीं बन सकती, उनका विधायक नहीं जीत सकता, जो पहले एक सोच थी काशीराम साहब ने उसको बदला था, हम उसको दोबारा से उस आंदोलन को अपने पैरों पर खड़ा करना चाहते हैं। हाँ, मुझे पता है मेरी तबीयत खराब है, मेरा गला पड़ गया, मेरी पीठ में, मेरी डिस्क में जो है रीढ़ की हड्डी में गैप आ गया, लेकिन उस सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे जैसे हजारों हजारों लोग इस आंदोलन को चलाते आए, चलाएंगे, मैं कोई अकेला नहीं हूँ। भीम आर्मी हमारी ताकत है, आज़ाद समाज पार्टी हमारी ताकत है, हमारा संगठन हमारी ताकत है, एक एक कार्यकर्ता हमारी ताकत है। एक चंद्रशेखर नहीं भी रहेगा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आज तो लाखों चंद्रशेखर तैयार हो गए। मगर मैं आपसे ये अपील कर रहा हूँ कि ये समय है चयन करने का, कि आप उसको चुनते हैं जो सिर्फ वोट के लिए आपके बीच में, या आप उसको चुनते हैं जो लड़ना चाहता है, जो अपने पैरों पर इस समाज को खड़ा कर देखना चाहता है दोबारा, जो बहुजन समाज को शासक समाज, जो माननीय काशीराम साहब, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि हमारा राज आए, हम लोग अम्बेडकरवाद की जो विचारधारा उसको आगे बढ़ाए। आप खुद भी सोचिए, आज हर दल अंधविश्वास पाखंडवाद के आधार पर राजनीति कर रहा है, वो मंदिर मस्जिद जहाँ जहाँ उसका मन बने वो वहाँ जाके मत्था टेक टेक के वोट की अपील कर रहा है, वो आज पैर भी छू रहा है, सारे काम कर रहा है, वो प्रयास कर रहा है किस तरह लोगों को ठगने के लिए कुछ भी करना पड़े कर ले, पैसे भी दे रहा है, शराब भी बांट रहा है। आजाद समाज पार्टी के लोगों ने मिशनरी लोगों को टिकट दिया, आप चेक कीजिए दूसरे लोगों को जो अपने आप को मिशनरी दल कहते हैं, कितने मिशनरी लोगों को टिकट दिया, और क्या उनके टिकट मिशनरी लोगों को मिलते हैं या उनके टिकट सौदों में जाते हैं? पूरे देश, उत्तर प्रदेश का जब मैं रिपोर्ट कार्ड दूंगा आपको, आप ये देखना, हमने 100 से ज़्यादा नौजवान साथियों को जो लड़ना चाहते हैं, जो चुनाव के बाद अपनी पहचान बना लेंगे, और अगर इस बार नहीं जीत पाते तो अगली बार वो विधानसभा के सबसे मजबूत दावेदार होंगे, उन लोगों को हमने टिकट दिया, उनको आगे बढ़ने का हौसला दिया। कई ऐसे लोग हैं जैसे उत्तराखंड में हमारे जिलाध्यक्ष हैं भीम आर्मी के, उन पर अपनी गाड़ी भी शायद मुझे लगता नहीं है, अरे हो भी सकती हैं, तो वो भी हिम्मत जुटा रहे हैं, उनको भी लगता है लोकतंत्र इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया था, वोट का अधिकार इसलिए दिया था कि एक गरीब का बेटा भी शासक बन सकता है, वो भी उन समस्याओं का हल निकाल सकता है जिन समस्याओं से हम लोग पीड़ित हैं। देखो हमारे मुद्दे हैं जातिवाद से हम लोग पीड़ित हैं, अन्याय अत्याचार एट्रोसिटी से हम लोग पीड़ित हैं, महंगाई बेरोजगारी और जो कास्ट एट्रोसिटी है, फिर हिस्सेदारी से हम लोग पीड़ित हैं, फिर बेरोजगारी नौजवानों के लिए बहुत बड़ा मामला है, नौजवान इससे पीड़ित हैं, शिक्षा से हम लोग वंचित हैं क्योंकि बड़े बड़े स्कूल बना के हमें रोक दिया गया है कि ये प्राइवेट स्कूल में हम नहीं जा रहे क्योंकि आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल हम भी चाहते हैं गरीब लोग उसमें इलाज करा लें लेकिन रोक दिया गया है क्योंकि वहाँ पैसे चाहिए, सरकारी में सुविधाएँ नहीं है, उसको जानबूझ के बंद किया गया। देखो सिस्टमेटिक तौर पर प्राइमरी स्कूल सरकारी स्कूल की पढ़ाई ख़त्म की गई कि लोग प्राइवेट स्कूल जाएँ, लेकिन शोषित वंचित समाज के लोग उसमें घुसे कैसे, बड़ी बड़ी फीस चाहिए, बड़ी बड़ी फीस के जरिए उनमें एडमिशन होते हैं, डोनेशंस लगती हैं, फिर तमाम तरह के सहयोग की जरूरत पड़ती है, नेताओं के लेटर फैट की जरूरत है, लेकिन आप पे है क्या? मेरा एक सामूहिक प्रयास है भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के आंदोलन जरिए कि अब कमजोर लोगों की भी, वंचित वर्ग के लोगों की भी राजनीति खड़ी होनी चाहिए। मैंने इस पानी दे देना जरा सा पीने के लिए गर्म पानी। और मैं मानता हूँ कि आज नहीं तो कल परिवर्तन को स्वीकार किया जाएगा। आज हो सकता है लोग हमारी मजाक बनाए, मैं कल आज ही अपने साथियों से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि जब माननीय काशीराम, जब मैं आगरा जा रहा तब बात हो रही थी, जब वो आगरा आए तो उनकी पार्टी को लोग नकली अंबेडकर की पार्टी कहते थे और तब जनता दल को असली अंबेडकर जी की पार्टी माना जाता था, RPI को असली अंबेडकर जी की पार्टी माना जाता। काशीराम साहब नहीं डरे उनकी झूठ बातों से, वो धीरे धीरे उस अपनी चाल पर चलते रहे, मेहनत करते रहे, प्रयास करते रहे। मैं काशीराम नहीं हूँ, मैं डॉक्टर अम्बेडकर नहीं हूँ, मैं तो उनके धूल के पैरों के धूल के बराबर भी नहीं, लेकिन प्रयास करने में क्या बुराई है, उनके आंदोलन को आगे बढ़ाने में क्या बुराई है? वो जो चाहते थे कि बहुजन समाज के लोग शासक वर्ग बने, उसको तरक्की पर ले जाने क्या क्या उसमें क्या बुराई है? और अगर मैं नहीं चला पा रहा हूँ तो आप बताए ना कौन चला रहा है? 5 साल सड़कों पर कौन लड़ा, जिस जेल किसने काटी, मुकदमे किसने काटे? हाँ मेरे ऊपर आरोप लगाना बड़ा आसान है, भीम आर्मी पे लोगों को गाली देना बड़ा आसान है,
लेकिन जब अन्याय अत्याचार होता है तो हर दल को, हर व्यक्ति को पुलिस से पहले याद आती है भीम आर्मी। ये भीम आर्मी की ताकत है, ये भीम आर्मी ने कमाई, ये विश्वास कमाया है। लोग अब जब पीड़ित होते हैं, जो आस्थावादी लोग हैं वो भगवान को याद करते हैं, लेकिन बहुजन समाज के शोषित वर्ग के लोग हैं अन्याय अत्याचार होने पर वो भीम आर्मी को याद करते हैं। ये कमाया है भीम आर्मी ने, ये पैसों में नहीं मिला है। इसके लिए भीम आर्मी ने जख्म झेले हैं, लाठियां खाई है, मुकदमे झेले हैं, और आज भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और हमने नहीं चुना विकल्प साधन कोई वो सुविधा वाली राजनीति का कि भाई हम सदन में चले जाएं, पैसे वाले हो जाएं। हमने चैलेंज किया इस प्रदेश के मुखिया को, जिसके वजह से बहुजन आंदोलन कमजोर हुआ, और जो बोलता है उसके खिलाफ मुकदमे लगाते कि आइए हम लड़ेंगे आपके खिलाफ। हम आपको बताते थे गरीब लड़ते हैं तो इतिहास बदलते हैं। मैं आपसे अपील कर रहा हूँ कि एक एक वोट आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी, उनके गठबंधन के प्रत्याशियों को देने का काम करें, और फिर आप देखें कि कैसे अवसर मिलने पे हम लोग मिलके आपकी ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी में, बहुजन समाज के लोग ज़िंदगी में परिवर्तन लाते हैं। मैं एक बस एक छोटा सा किस्सा सुना के ख़त्म करूँगा क्योंकि मुझे जाना है, और मैं लाइव में बाद में दिखाऊँगा कि हम लोग कहाँ खड़े हैं। एक पेड़ है जो लंबे समय पहले लगा, हमारे महापुरुषों ने, हमारे रहबरों ने उसको सींचा, लेकिन परिवर्तन प्रकृति का नियम है, आज वो सूख चुका है। जबरदस्ती हम लोग उसमें, हमारे लोग उसमें पानी देने का, खाद देने का प्रयास कर रहे हैं। सूख चुका है, अपनी जड़ें छोड़ चुका है। मूल जो स्वभाव था आंदोलन, बहुजन आंदोलन, बहुजन विचारधारा, उस स्वभाव को छोड़ चुका है। अब बस मात्र उसके लिए सत्ता, कैसे भी सत्ता मिले, ये एक माध्यम बचा, और उस पर भी वो खरा नहीं उतर पा रहा। 12 में नहीं खरा उतर पाया, 12 में अपने प्रयास किया फल नहीं दे पाया, 14 में अपने प्रयास किया फल नहीं दे पाया, 17 में अपने प्रयास किया फल नहीं दे पाया, 19 में अपने प्रयास किया फल नहीं दे पाया। दे पाया तो एक काम करने वाले गरीब परिवार के बेटे को सिर्फ और सिर्फ अपमानित करने का काम कर पाया। कब तक हमारे लोग ये सोच के उसको चिपके रहेंगे कि भाई ये हमें फल देगा, जब वो सूख चुका है क्या देगा। अगर आप उसको जबरदस्ती पकड़ के रखेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो आपके ऊपर जा पड़ेगा, कल फिर आप पछताते रहेंगे। जबकि परिवर्तन की परिभाषा ये है कि जब बड़ा पेड़ सूख गया है तो आपको अपने छोटे पेड़ को सींचना शुरू कर देना चाहिए, जिससे कि जब ये बिल्कुल जीरो हो जाए, या ये अब अगर इसमें थोड़ा समय भी लगे, क्योंकि हर चीज़ में समय लगता है। क्या बच्चा एक दिन में चलना सीख जाता है? नहीं, वो तो बैठना भी 6 महीने में सीखता है, वो तो चलना भी 1 साल में सीखता है, बोलना भी 1-1.5 साल में सीखता है। तो आसान नहीं है, धीरे धीरे चीज़ें आती हैं। अगर आज हमने इतने बड़े पैमाने पर जिला पंचायत सदस्य जिताए, हमने आज अपने प्रत्याशी लड़ाने की हिम्मत जुटाई, तो ये धीरे धीरे सफल हो पा रहा है। एक समय आएगा परिवर्तन का, 24 में हो सकता है कि हमारे मुकाबले, क्योंकि हमारे लोग काम करते हैं, बीमार में लोग मेहनत करते हैं, कोई बचे भी ना। हो सकता है कि जो बाकी लोग इधर उधर घूम रहे हैं वो समझदारी दिखा के हमारे साथ आ जाएं। तो जब वो पेड़ सूख चुका है, उसकी परवाह करने के साथ साथ अपने नए पेड़ को भी मजबूत कर लीजिए, जिससे आपकी जो है ताकत खड़ी रहे, आपका बोलने वाले जो है लीडर्स तैयार हो जाएं, आपकी सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए जो लोग लड़ना चाहते हैं उनको बल मिल जाए, तो आपकी वोट मुझे बल देगी। बाकी जिन सीटों पे हमारे प्रत्याशी नहीं, ये भी एक कन्फ्यूजन है, प्रथम फेज के लिए अभी बता देता हूँ, तो वहाँ जो भी प्रत्याशी आपको लगे कि ये योग्य प्रत्याशी, इसने मेहनत की है, इसने संघर्ष किया है, ये आपके दुख सुख में काम आ सकता है, और वो बीजेपी को भी रोक सकता है, आप उसको समर्थन कर सकते हैं। लेकिन भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के साथियों के लिए मेरा निर्देश है कि वो सोशल मीडिया का यूज ना करें, वो चुपचाप अपनी वोट दें। बाकी जो आपके जिलों में जिन सीटों पर प्रत्याशी ने, उनसे अन्य सीटों पर जहाँ जहाँ हमारे प्रत्याशी आजाद समाज पार्टी गठबंधन के, सामाजिक परिवर्तन मोर्चा के, तो वहाँ उनके लिए काम करें। जिस दिन वोट का समय आए तो वोट दे के अपने पर उस प्रत्याशी, जिसको आपका मत का प्रयोग करना, उसको मत दे दें, लेकिन अपने आंदोलन की गरिमा को समझते हुए अपने काम को आगे बढ़ाए, अपनी राजनीतिक शक्ति खड़ा करें। आपकी राजनीतिक शक्ति नहीं खड़ी होगी तो कल आप जब इलेक्शन खत्म हो जाएंगे, कहीं अन्याय होगा तो आप मुझसे कहोगे चंद्रशेखर भाई चलिए मदद कीजिए, तो चंद्रशेखर भाई क्या मदद करेंगे? तो चंद्रशेखर भाई मदद ये करेंगे, वो भी आपकी तरह जाकर आंदोलन बैठ जाएंगे। लेकिन अगर आपके जरिए सहयोग से दी गई वोट से हमारा MLA जीतता है, फिर मैं उसको बैठने नहीं दूंगा, फिर मैं उससे काम लूंगा आपके हितों की रक्षा के लिए। विधानसभा में उसको कहूंगा कि वो बोले, लड़े, और आपके लिए, आपके जो साथ जो तमाम तरह से हाशिए पे आपको रखा गया, नीतियाँ नहीं बनने दी जाती, चर्चा नहीं होती, उनके खिलाफ वो अपनी आवाज़ बुलंद करे और मजबूर करे सरकार को कि नीतियाँ बने। और एक और बड़ी बात, जिस तरह के आज के हालात हैं, अगर उसमें आपके प्रत्याशी जीत के जाते हैं और सरकार बनाने के लिए आपके सहयोग की जरूरत बनती है, तो यानी कि सत्ता की जो चाबी है
मास्टर की वो आपके हाथ में होगी, जब आपके हाथ में होगी तो फिर आप सरकार, आपके जरिए सरकार बनेगी, तो फिर आप अपनी नीतियों को प्रभावित कर सकते हैं, जो मैनिफेस्टो मैंने दिया उसको लागू करा सकते हैं। वरना देखिए बाहर बैठ के तमाशा, अमीर लोग अपनी व्यापार की राजनीति को आगे बढ़ाएंगे और गरीब सड़कों पर खड़े होकर तरसेंगे। जैसे अभी एक नाम मेरे शहर से आली शेर जी हैं, कल इनका रोड शो का प्रोग्राम था, मैं जा नहीं पाया, और मैं क्योंकि अकेला आदमी हूँ जो अभी जो एक पहचान जो आपने दी है, मगर मैं चाह रहा हूँ और चंद्रशेखर तैयार हो जाए, बल्कि भीम आर्मी की, राष्ट्रीय कमेटी, आजाद समाज पार्टी की, लेकिन हमारे लोगों को सिर्फ मैं चाहिए। या देखो मैं समझता हूँ इतने घंटे तो आपके पास हो, इतने मेरे पास होते हैं, मुझे पूरे देश का काम करना होता है, हर मुद्दे को सुनना होता है, हर व्यक्ति से बात करनी होती, सब कुछ करना होता है, लेकिन क्योंकि अभी ज़्यादा समय नहीं निकाल पा रहा हूँ, तो जहाँ नहीं आ पाया उन लोगों से हाथ जोड़े कहता हूँ मैं छोड़ के जाने वाला नहीं। चुनाव के बाद फिर आपके बीच में रहूँगा, इस लड़ाई को मजबूत करूँगा, आपको तैयार करने का काम करूँगा, इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए अपने जी जान लगाने का काम करूँगा, फिर आपके साथ मिलकर मजबूत संगठन बना के अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। इस बार धोखा नहीं खाएंगे, इस बार धोखेबाजों से बचेंगे, अपनी लड़ाई को मजबूत करेंगे। इसलिए आपसे अपील कर रहा हूँ कि आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में ज़्यादा से ज़्यादा मत दें, उनको जिताने का काम करें। और 9, 10, 11, 12 गोरखपुर से आने के बाद मैं उत्तराखंड और सहारनपुर में रहूँगा, वहाँ की सीटों पर काम करूँगा। तय आपको करना है कि आपको गुलामों की ज़रूरत है या लड़ने वालों की। मैं इस लड़ाई को सड़क पर लड़ने के लिए, विधानसभा में लड़ने के लिए तैयार हूँ, और हम गोरखपुर भी जीतेंगे, इसका भी हम प्रयास करेंगे। अब मैं बस ज़रा आपको दिखा दूँ कि आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके भाई चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं, आज का जो लाइव कर रहे हैं वो हाईवे से कर रहे हैं, और इसलिए क्योंकि अब आंदोलन तो चलाना बड़ा कठिन काम है, ये इतने आसानी से नहीं चलता है, तो इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और हमारा काफिला जो हमारे साथियों ने वहाँ जाने के लिए प्रयास किया है, तो हम अपनी दोनों गाड़ियों के साथ यहाँ हैं, और अब हम हापुड़ पहुँचेंगे। हापुड़ में अपने प्रत्याशी जो हैं डॉक्टर विपिन, उनके समर्थन में अपील करेंगे, साथियों से कहेंगे कि मजबूती से लड़ें, और आपसे भी ये कहेंगे कि आप इस लड़ाई को मजबूत करने के लिए आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने का काम करें। बाकी एक दिन सबको जाना है, जब तक वो जिन दिन मेरी ज़िंदगी में नहीं आता तब तक मैं इस लड़ाई को मजबूती से लड़ूंगा और प्रयास करूंगा कि अपने रहबरों का जो सपना है उसको पूरा करने के लिए जितना भी योगदान अपने जीवन काल से दे सकूँ वो देने का काम करूँगा। लेकिन फिर कह रहा हूँ, इस बार गलती करेंगे तो बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। अवसर है आपके पास गरीबों की राजनीति खड़ा करने का, और मैं आपसे अपील करता हूं कि आज़ाद समाज पार्टी के पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। हर एक कार्यकर्ता से अपील करूंगा, ये मत सोचें कि कल क्या होगा, ये सोचें कि आज की दी हुई वोट भविष्य तय करने वाली, ये बताने वाली कि आज़ाद समाज पार्टी कहाँ खड़ी है। और बस खड़ा होना चाहता हूँ अपने पैरों पर, आप साथियों के सहारे इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, जिसके लिए बड़ी कुर्बानियां दी गई हैं। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आंदोलन को स्वतंत्र रूप से विचारधारा पर आधारित होकर आगे बढ़ाने का काम करना चाहता हूं, लड़ना चाहता हूं, आपसे ताकत हिम्मत चाहता हूं, और उसके लिए एक ही विकल्प है, ये लोकतंत्र है, यहां वोटों से तय होगा कि कौन कितना ताकतवर है। आज जब कहते हैं मीडिया के लोग छोटी पार्टी, तो अच्छा लगता है कि छोटी पार्टी, एक मुझे विश्वास है कि हमारे लोग इस छोटी पार्टी को अपने वोट के जरिए बड़ी पार्टी बना देंगे, और वो दिन दूर नहीं जब हम अपने महापुरुषों के सपनों को पूरा करेंगे। आज के लिए इतना ही, जय भीम जय भारत। सेकंड फेज के लिए फिर से कहीं लाइव आके अपनी बात रखूंगा और अपील करूंगा आज़ाद समाज पार्टी प्रत्याशी समर्थन में, कोशिश करूंगा जहाँ नहीं पहुँचा हूँ उनके प्रत्याशी एक एक वीडियो बना के भेज दूँ, लेकिन फिर अपील करना हूँ। आपका भाई, हौसला बहुत है, हिम्मत बहुत है, जज्बा बहुत है, धैर्य बहुत है, बड़ी कोई चाहत नहीं, बस आंदोलन को ताकत देनी है, उसके लिए आपके बीच में है। जय भीम जय भारत, और कल गोरखपुर मुलाकात होगी। आप सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, और मुझे विश्वास है कि इस बार भी आप मुझे हारने नहीं देंगे, जिताएंगे। जय भीम।